जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है? फॉर एग्जाम्पल 3/2 क्या है? 2/5 क्या है? 5/4 क्या है? तो ये सारे नंबर रेशनल. तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर. क्या है? रेशनल नंबर. नाउ व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू? पी क्या होता है और क्यू क्या होता है? पी एंड क्यू न्यूमरेटर कहते हैं और क्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. पी को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर. क्यू को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. तो पी को हम न्यूमरेटर कहते हैं और क्यू को डिनोमिनेटर. वी कैन से पी इज द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड क्यू इज द लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. अब पी क्या है? अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. क्यू क्या है? लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन. पी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और क्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. अब पी बटा क्यू क्या है? रेशनल नंबर. क्या है? रेशनल नंबर. अब आपको समझ आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है? Yes! रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. व्हाई क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो? क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होता? इफ क्यू इज जीरो देन इट इज नॉट ए रेशनल नंबर. देन इट इज नॉट ए रेशनल नंबर. अब आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि रेशनल नंबर में क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होता. मैंने यहाँ पे दो रोटी बनाई है जिसके मैंने चार हिस्से किए हैं. इसके भी मैंने चार हिस्से किए हैं. इसमें चार हिस्सों में एक हिस्सा तंजिला ने खाया और इसमें चार हिस्सों में दो हिस्से सिमरन ने खाए. चार हिस्सों में एक हिस्सा किसने खाया? तंजिला ने. इन चार हिस्सों में दो हिस्से किसने खाए? सिमरन ने. अब यहाँ पे लिखेंगे 3/0. रोटी ही नहीं थी, शौरीना ने तीन हिस्से खाए. कितने हिस्से खाए? ये इज नॉट पॉसिबल. इज इट पॉसिबल? नो. ये पॉसिबल ही नहीं है. जब रोटी ही नहीं थी तो शौरीना क्या खाएगी? ये एग्जांपल इसलिए दी है कि क्यों जीरो के बराबर नहीं होता है और हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते. एवरी नेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर. हर कोई नेशनल नंबर रेशनल नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नेशनल नंबर होते. ये सब क्या है? रेशनल नंबर. अब हर कोई नेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर. एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर. हर कोई होल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे क्या आया? जीरो. अब ये सब क्या है? रेशनल नंबर. क्या है? एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर. एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर. हर कोई होल नंबर रेशनल नंबर होता है. यहाँ पे जीरो है. जीरो इज ए रेशनल नंबर. क्या है? रेशनल नंबर. बट 3/0 इज नॉट रेशनल नंबर. 1/0, 2/0 ये सब रेशनल नंबर नहीं है. मैंने आपको अभी समझाया कि रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर. हर कोई इंटीजर रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर कोई रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है बिकॉज इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू. कि रेशनल नंबर क्या होता है? Yes! रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इज इक्वल्स टू जीरो. क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है. एवरी नेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर. एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर. अब आपको समझ आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है? Yes! थैंक यू.